What is up people, back again with the new video. So guys, आज मैं आ चुका हूँ आपके लिए फर्स्ट ऑफ बेस्ट ट्रिक्स लेके, चार ट्रिक्स और एक टिप होगी आपके लिए, बहुत ही ऐड है ब्रो, तो आप देखते रहो। गाइस फर्स्ट टिप लेके आ चुका हूँ आपके लिए। भाई आपने देखा होगा न्यू अपडेट में आ चुका है टू स्टेप्स वेरिफिकेशन का, जो कि आप वेरिफिकेशन ऑन कर दोगे तो भाई देखो लाइक आपका फ़ोन कहीं खो जाता है, सिम खो जाता है उसके अंदर, ऑब्वियसली फ़ोन खो जाता है, सिम तो हो नहीं है क्योंकि भाई उसके अंदर इंसर्टेड सिम, तो भाई आप कहीं जाते हो खो जाती है, फिर कोई बंदा सामने वाला कोई भी बंदा हो वो उस सिम से व्हाट्सअप चलाना चाहे वो चला नहीं पाएगा। तो गाइस देखते रहो कैसे सेटिंग करनी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर जाके जाना होगा आपको अकाउंट्स में, अकाउंट्स के अंदर आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप जो जाके टैप करोगे फिर यहाँ ओपन जाएगा इंटरफेस, यहाँ यहाँ पे अलग ही आएगा आपको, आपको मांगेगा छः टाइप्स के डिजिट कोड, मतलब जो भी है वहाँ पे आपको कोड फिल करना होगा 6 टाइप्स के, और फिर उसके बाद आपको ईमेल मांगेगा, स्किप का भी ऑप्शन देते हैं, वहाँ आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ईमेल विदाउट ईमेल ईमेल फिल किया आप वहाँ से स्किप कर सकते हो, फिर भाई गाइस फिर उसको डन करना पड़ेगा, डन के बाद आपका हो जाएगा इजी, ये इंटरफेस आएगा, फिर आपका मतलब समझ लो आप किसी भी व्हाट्सअप कहीं भी मतलब किसी के इसी नंबर से दूसरे के फ़ोन में भी आप व्हाट्सअप ऑन करोगे तो गाइस वहाँ पे आपसे मांगेगा ईमेल, वहाँ फिल करो या फिर मत करो भाई कोई ज़रूरत ही नहीं, ईमेल स्किप करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन देगा स्किप करोगे, फिर उसके बाद भाई आप किसी भी फ़ोन में किसी भी मान लो आप न्यू हैंडसेट चेंज कर तो उसमें आप उसी नंबर से व्हाट्सअप इंस्टॉल करोगे, व्हाट्सअप बनाओगे तो गाइज वहाँ पे ये जो 6 डिजिट्स के कोड आप वहाँ जो फेल करोगे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन में, वहाँ वो चीज़ काम आ जाएगी भाई, वो चीज़ आपको फेल करना होगा जो न्यू वाले व्हाट्सअप न्यू अकाउंट्स बनाओगे। उस सेकेंड ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है भाई, लाइक मान लो आपने किसी से चैटिंग कराओ भाई, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो वो भाई अपनी गर्लफ्रेंड को उसके चैटिंग्स भी गिफ्ट करते हैं, मैंने तो देखा भाई यूट्यूब पे, मैंने देखा है गर्लफ्रेंड को चैटिंग उसको उसका एक बुक बना के, जो भी चैट होता है उनका स्टार्टिंग से चैट होता है एंड तक उसका एक बुक बना के बंदे गिफ्ट करते हैं, तो गाइज ऐसे ही आप भी कर सकते हो भाई, किसी की भी चैटिंग हो आप उसको सेव कर सकते हो, पीडीएफ फाइल बना के आप उसको सेव कर सकते हो, उसमें आप किसी मतलब किसी भी बंदे का चैटिंग हो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक आप उसको सेव करके उसको सेंड कर सकते हो या फिर खुद भी रख सकते हो एज अ मेमोरी, आप उसको यूज़ कर सकते हो। चलो दिखाते हैं कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर जाके आपको जाना होगा चैट्स के अंदर जाके आपको सबसे नीचे भाई हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको हिस्ट्री में जाओगे आप फिर एक्सपोर्ट चैट करोगे, फिर आप जिस बंदे के भी आपको चाहिए, जिस बंदे की चैटिंग चाहिए, फिर बंदे का चाहिए, फिर माशो का जो भी है आपकी उसकी चैटिंग चाहिए आपको, उस पर टैप करोगे, टैप किया वहाँ से फिर आपको करना होगा इसको सेंड, किसी में आप सेंड कर सकते हो, मतलब भाई सेंड करने वाले वैसे इसी बंदे को दोबारा मैंने सेंड किया, आप देख सकते हो यहाँ सेंड किया मैंने इस बंदे को, आप देख सकते हो क्या मतलब सेंड हो चुका है इसको, मतलब पीडीएफ फाइल भी ये सेंड हो जाएगा। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो किसी से भी आप ओपन कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ इस टाइम व्यूअर से ओपन करा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो भाई सारा चैटिंग आपको मिल जाएगा, तो भाई इसका बुक बना के उसको गिफ्ट कर सकते हो, समझ तो रही होगी भाई उसको गिफ्ट कर सकते हो, फिर कोई भी हो भाई मौजू का जो भी मतलब उसको आप गिफ्ट करोगे भाई बंदे से इसलिए बहुत खुश होने वाले, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले भाई, कसम से फूल ही नहीं समाएगी वो तो भाई कसम से, फिर तो भाई मजे और क्या। थर्ड ट्रिक लेके आ चुका आपके लिए भाई, लोग आई थिंक आपको पता ही होगा किसी भी ग्रुप में आप एक पर्टिकुलर बंदे को आपको मैसेज करना, तो भाई आप करते हो उस बंदे के मैसेज पे आप स्लाइड करते हो भाई, मतलब उस बंदे का मैसेज भी ना आए फिर मतलब उसी बंदे को आपको उसमें पर्टिकुलर उसका नाम दे के आपको सेंड करना उसको मैसेज, वो बंदा पढ़ लेगा, उसी के पास पहुँचेगा, उस पर उसको पक्का वो नोटिफिकेशन पहुँचेगा, वो मतलब पर्सनली उस पर नोटिफिकेशन पहुंचेगा और ग्रुप में वो बंदा जाएगा, एंट्री करेगा, आपका मैसेज पड़ेगा, आपको रिप्लाई देगा, तो भाई ये देखो स्क्रीन पे, सबसे पहले आपको जाना होगा उसी ग्रुप में जिस ग्रुप में आप चैट वैट करते हो उसी ग्रुप में आप जाओगे, फिर उसमें नीचे आपको टाइप करना होगा भाई, मतलब देखो टाइप @ टाइप करोगे, फिर उन सारे बंदों का नाम है जो भी आपके ग्रुप में ऐड होंगे जो, और उस बंदे को सीधा मतलब उसी बंदे को इस पर टैप करो जिस बंदे को सेंड करना आपको मैसेज, लाइक यहाँ आप देख सकते हो इस बंदे को सेंड करना है मेरे को हाय लिख के, मैं मतलब मैसेज मैंने सेंड कर दिया, तो भाई सीधा उसको नोटिफिकेशन जाएगा, वो बंदा दौड़े हुए आएगा अंदर ग्रुप में और आपको रिप्लाई देगा फटाफट। गाइस फोर ट्रिक आपके लिए लेके आ चुका हूँ, आई थिंक नहीं लेके आ चुका हूँ, जो बंदे जानते होंगे उनके लिए लेके आ चुका हूँ, जो बंदे नहीं जानते उनके लिए शायद लेके आ चुका हूँ, तो गाइस आई थिंक आप में से सबको ही पता होगा, बट कुछ बंदे होंगे जिनको नहीं पता भाई, क्योंकि चलो फिर मतलब भाई देखो व्हाट्सअप के अंदर आप फिंगर लॉक भी लगा सकते हो, ये आपको पता होगा या नहीं आई डोंट नो, बट हाँ मेरे को तो भाई पता लगा, मतलब मेरे को बना देना चाहिए इस पर वीडियो, तो गाइस देखो कैसे आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगानी है।
सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर जाकर जाना होगा आपका अकाउंट्स में, अकाउंट्स के बाद जाना होगा आपको प्राइवेसी में, प्राइवेसी के आप सबसे नीचे देख सकते हो यहाँ पे फिंगर लॉक दे रखा है, फिंगर लॉक आपको ये अनेबल करना होगा, अनेबल यहाँ से करा, फिर गाइस यहाँ पे फिंगर मांग रहा है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बैक फिंगर है इसका, मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे भाई फिंगर लग चुका है। तो भाई यहाँ दे रखा है इमिडिएटली आफ्टर 1 मिनट्स आफ्टर 30 मिनट्स। तो गाइस यहाँ पे क्या आप व्हाट्सअप ऑफ करने के बाद आपको कितने देर बाद ऑटोमेटिक फिंगर लॉक लगवाना है इसका यही है जो भी। तो मैं तो भाई इमिडिएटली भी करता हूँ क्योंकि भाई जब यहाँ पे मैं ऑफ़ करता हूँ फिर से जब ऑन करूँगा तो गाइज़ यहाँ पे व्हाट्सअप का मांग रहा है, तो भाई इमिडिएटली ये मांग ही रहा है, तो फिर यहाँ पे मैं फिर से फिंगर देता हूँ, व्हाट्सअप ऑन हो गया मेरा। तो गाइज़ यही है, ये तो लास्ट ट्रिक है जो भी है, मतलब पक्का आपके काम आने लगे, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं, शायद ही बताया होगा किसी को, शायद ही बताओ, बट पक्का है आपको यूज़फुल होने वाली भाई। लाइक कोई भी बंदा सामने ग्रुप में आप किसी ऐड हो और आपके आपका फ़ोन कोई भी छेड़ता है, आपके घर वाले भी मतलब भाई बहन जो भी है, बड़ा भाई है तो भाई उसकी तो मांग माननी होगी भाई, तो लॉक को हटा के रखना होगा। तो भाई कोई भी छेड़ता है आपको कोई किसी भी ग्रुप में, आपको कोई अनसेंड की फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप समझ रहे हो जो भी है, मतलब जैसे वीडियोज़ आपको सेंड करता हो, फोटोज सेंड करता हो, तो भाई मतलब वो आपको गैलरी में शो नहीं होगा। अगर आपको उस ग्रुप में रहना भी है और उसको झेलना भी, उस बंदे को, वैसे बंदे बहुत ही मिल ही जाते भाई, बहुत क्या मतलब मिल ही जाते, एक ना ग्रुप में किसी ना किसी, मतलब एक ग्रुप में तो एक बंदा वैसे निकल ही जाता है जो बंदा अंडरसेंड फोटोज़ वगैरह और वीडियोस वगैरह सेंड करते हैं। तो गाइज आपको मतलब वो फोटो सेंड करेगा, वीडियो सेंड करेगा, लेकिन वो गैलरी में शो नहीं होगा, तो गाइज वो सीक्रेटली हिडन रहेगा, बट आपको ही पता रहेगा वो कैसा क्या है, आपको दिखाता हूँ। आ चुके हैं हम भाई व्हाट्सअप के अंदर, व्हाट्सअप के अंदर आ चुके भाई। मान लो जो भी बंदा हो लाइक ये जायद मतलब गंदपना करता है मेरे, मतलब मेरे जो भी है ग्रुप है उसमें गंदगी करेगा, तो भाई इसके ऊपर मतलब इसको पर्सनली इसके फ्लाई इसके जो भी चैट लिस्ट में घुसना है आपको, इस पर जो इसका नाम है इस पर टैप करना है आपको, फिर नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी, यहाँ पे जाके आपको ओके करना है, फिर यहाँ पे आपको मैं शो न्यूली डाउनलोडेड मीडिया फ्रॉम दिस चैट इन योर फोन्स गैलरी, मतलब फोन्स के गैलरी में मतलब आप इसको शो करना चाहते हो, फिर नहीं तो भाई सीधा है आपको करना है नो, तो भाई रहेगा आपका मतलब जिंदगी शो, मतलब जो भी है भाई क्या बात है, मतलब जो भी है बंदा जो भी सेंड करता है भाई आपको पर्सनली, ये मतलब मीडिया गैलरी में शो नहीं होने का एक भी फोटोज या फिर एक भी मतलब गंदपना तो होना ही नहीं है आपकी गैलरी में। तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना, घंटी भाई घंटी दबाना जरूरी है, क्योंकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके ईजी। तो गाइज और आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा, वहां से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो गाइज ऐसे बने रहना, आपकी कृपया रहेगी मेरे साथ, तो भाई फाइल रहेगा आपके साथ, बाय बाय।